नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर देवरे में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। PI इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आ गए हैं। इनके रिजल्ट जो है वो मिलियंस में दिए हुए हैं। पहला कॉलम जो है जून 2021 का है, दूसरा कॉलम मार्च 2021 का, और ये वाला कॉलम जो है वो जून 2020 का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कैसा रहा। तो पिछले साल उनको 10,601, पिछले क्वार्टर में 11,971, और अभी देख सकते हैं 11,938। ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। टोटल इनकम देख लेते हैं, पिछले साल का टोटल इनकम देखते हैं 10,683, पिछले क्वार्टर का 12,413, और अभी का देख सकते हैं 12,215। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। खर्चे देख लेते हैं कंपनी के, टोटल एक्सपेंसेस तो पिछले साल जो हुए थे 8,832, पिछले क्वार्टर में 10,189, और अभी का देख सकते हैं 9,970। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है खर्चों में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं, क्या कंपनी को प्रॉफिट में भी किसी प्रकार का डिफरेंस है। तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था 1,455, पिछले क्वार्टर में 1,798, और अभी का देख सकते हैं 1,872। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है प्रॉफिट में। काफ़ी अच्छा कंपनी ने जंप दिखाया है। वे EPS देख लेते हैं, पिछले साल का EPS था 10.52, पिछले क्वार्टर का 11.96, और अभी का देख सकते हैं 12.34। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। कंपनी का एक दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो 0.8.75 पॉइंट तक पॉजिटिव रिटर्न है। एक माह की बात करें तो 1.57% तक पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 6 माह में 47.86% तक पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करें तो 67-68% तक पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 5 साल में देखते हैं तो 276% तक कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम देखें तो 3,916.30% तक कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, एक अप ट्रेंड वाला है ना कि एक डाउन ट्रेंड वाला। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट 2017 मार्च 2017 में कंपनी के पास थे 1,616 करोड़ के रिजर्व थे, फिर 1,911, 2,264, 2,601 और 5,327। काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिजर्व बढ़ा है। कर्जा देख लेते हैं कंपनी के ऊपर, तो 257 करोड़ के लगभग कर्जा है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में कर्जा देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म में 0 कर्जा है कंपनी के ऊपर। कैश देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना है। तो करंट इन्वेस्टमेंट भी किया है कंपनी ने 708 करोड़ का। कैश देख लेते हैं कंपनी के पास, पहले कैश थी 132, फिर 130, 90, 134, अभी 1,619। कंपनी ने काफ़ी अच्छा कैश भी में भी इंक्रीमेंट किया है। कंपनी के 5 स्टार बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में किसी प्रकार की खामी नहीं है, ना ही रिजल्ट में। कंपनी ने अपने रिजल्ट काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, 2017 में था 2,274, 2018 में 2,277, 2019 में 2,840, 2020 में 3,366, 2021 में देखते हैं 4,577। तो कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जंप किया है। प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट तो 2017 में कंपनी को प्रॉफिट था 459, फिर 18 में थोड़ा कम हो गया 367, फिर और इंक्रीज होना चालू हो गया 2019 में 410, 2020 में 455, 2021 में 733। मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं,
प्रमोटर्स के पास कितने पर शेयर है तो देख सकते हैं, प्रमोटर्स ने 46.74% तक अपनी कंपनी के शेयर सोल्ड किए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर के पास देख लेते हैं तो उन्होंने भी 19.64% तक कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं। डीआईएस के पास देख लेते हैं, डीआईएस ने भी 21.98 मतलब 22% तक डीआई ने भी अपने शेयर्स होल्ड किए हैं इस कंपनी के। पब्लिक के पास देख लेते तो पब्लिक के पास भी 11.58% तक शेयर्स इस कंपनी के होल्ड किए हुए हैं। प्रमोटर्स द्वारा एक शेयर्स को गिरवी नहीं रखा गया है, ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।